अल्लाह दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वैलकम कहती हूँ हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर दैट इज़ टाइप्स ऑफ फोर ग्राउंडिंग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मीनिंग ऑफ फोर ग्राउंडिंग के फोर ग्राउंडिंग है क्या और किसने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ की थी सब्जेक्ट है हमारा लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स अब टाइम को वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू वट इज़ फोर ग्राउंडिंग फोर ग्राउंडिंग का मतलब होता है स्पॉर्ट लाइट किसी के ऊपर रोशनी डालना किसी को प्रोमनेंट बनाने के लिए ठीक है मतलब कोई भी लाइन कोई भी वर्ड कोई भी फ्रेज उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसको प्रोमनेंट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो फोर ग्राउंडिंग की होती है फोर ग्राउंडिंग का मतलब ही होता है फोर फ्रंट सामने ले कर आना तो फोर ग्राउंडिंग इन लिटरेचर मीन्स एम्फोसाइजिंग और हाईलाइटिंग सर्टेन थिंग्स टू मेक दैम स्टैंड आउट इट्स लाइक पुटिंग द स्पॉट लाइट ऑन सम इम्पोर्टेंट इन अ स्टोरी और अ पोएम ठीक है ये कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है उस पर लाइट डालना ये हो गया जी फोरग्राउंडिंग का ओपरव्यू अब इसकी दो मेन टाइप्स है देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोर ग्राउंडिंग कौन कौन सी है पैरलिज्म पैरेल parallel का मतलब क्या होता है साथ साथ चलना ये और ये दो लाइन साथ चल रही है उनको हम लोग पैरल कहते हैं उसी पैरेलल से साथ साथ चलने से हमारे पास नाम आ गया पैरेललिज्म फिर डेविएशन डेविएशन का मतलब क्या होता है टू डेविएट फ्रॉम समथिंग डेविएट मीन्स हट जाना यानी जो पैटर्न जो नॉम्स चल रहे होते हैं उन नॉम्स से हट जाना वो होता है डेविएशन वहाँ से ही हमारे पास नाम आ गया ठीक है तो ये दो मेन टाइप्स हैं तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पैरेललिज्म क्या है पैरालिज़म जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी राइटिंग के अंदर सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या लैंग्वेज का पैटर्न रेपिटेटिवली यूज हो यानी कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो बेशक वो वर्ड्स हो जाए ग्रामेटिकल पैटर्न हो जाए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो जाए लैंग्वेज पैटर्न हो जाए जो रिपीट हो रहे होते हैं ना उसको हम लोग पैरालिज़म कहते हैं ये जो है सेंस ऑफ रिदम एम्फोसाइज और यूनिटी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट के अंदर अब देखें इट कैन बी यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम एम्फोसाइज और यूनिटी इन अ टेक्स्ट अब एग्जांपल uh, है इस एग्जांपल में देखें वी हैव नथिंग टू फेयर बट फेयर इट अब यहाँ पे देखें वी हैव नथिंग टू फेयर बट फेयर इट सेल्फ और फेयर ये वर्ड दो दफ़ा यहाँ पे रिपीट हुआ है और यहाँ पे बेसिकली सेंस ऑफ बैलेंस एंड हम लोगों को नजर आता है यहाँ पे जो फेयर एंड फेयर का वर्ड है पोइट ट्वाइस यूज करके इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है ठीक है तो दिस सेंटेंस यूजिस पैरल नाउन फ्रेजेज टू क्रिएट आर सेंस ऑफ बैलेंस एंड रिदम इट ऑल्सो एम्फोसा द स्पीकर बाई रिपीटिंग द वर्ड फेयर ट्वाइस क्लियर अब पैरल के बाद हमारे पास सेकेंड है जी डेविएशन टू डेविएट फ्रॉम समथिंग कि जो चीज सदियों से चलती आ रही है उससे हट के कुछ लिखना उससे हट के इंट्रोड्यूस करवाना इन द टेक्स्ट ठीक है तो ये क्या होता है इसमें अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन होता है और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे फ्रेजेस यूज़ की जाते हैं जिनसे काइंड ऑफ रीडर की ऑटोमेटिकली अटेंशन जाती है वहाँ पे इसको कहते हैं ऑटोमाइटिजेशन ठीक है अभी ऑटोमाइजेशन में क्या होता है के सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस और डिसोरिएटेशन डाली जाती है मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो कि आपने पहले पढ़े ना हो वही वर्ड जैसे कि हम लोग ब्यूटीफुल अगली यूज़ करते हैं अगर हम ब्यूटीफुल की जगह लिख दें यानी कि ब्यूटीफुल का ओपोनेंट है अगली हम अगली की जगह अनब्यूटीफुल लिख दें ये क्या है यही हमारी डेविएशन है कि हम लोगों ने पहले मोस्टली अनब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ नहीं किया अभी अनब्यूटीफुल का वर्ड जो वो अटेंशन कैरी कर रहा है ठीक है तो अब देखें जी डेविएशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूजल और अनएक्सपेक्टेड इन द गिवन कॉन्टेक्सट इट कैन बी यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू टू सर्टन वर्ड्स और फ्रेजेस और टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस और डिसोरियंटेशन फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंस यूज इज डेविएशन टू ड्रॉ अटेंशन टू द स्पीकर अब एग्जाम्पल कौन सी है द ट्री वर्ड वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट अब यहाँ पे क्या हुआ जी हम यहाँ पे नॉम से डेविएट कर गए हम लोगों ने ट्री को कह दिया देवर वॉकिंग यानी कि अब ट्री तो नॉन ह्यूमन थिंग थी ह्यूमन क्वालिटी दे दी हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दी जिस बेस पे हमने यहाँ पे डेविएशन की टेक्निक यूज़ की है तो दिस मेक द सेंटेंस स्टैंड आउट एंड एनकरेज द रीडर टू थिंक अबाउट द स्पीकरव क्लियर तो फोर ग्राउंडिंग कैन बी यूज एट एनी लेवल ऑफ लैंग्वेज कोई भी लेवल हो बेशक वो फोनोलॉजिकल लेवल हो साउंड को लेके बात की जाए वहाँ पे मीनिंग को लेके बात की जाए बेशक वो प्रोगेटिक लेवल हो सिमेंटिक लेवल हो सेंटेक्स लेवल कोई भी लेवल हो वहाँ पे हम लोग फोर ग्राउंडिंग की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं ये बहुत पावरफुल टूल है राइटर के लिए राइटर इसको यूज़ करके अपनी राइटिंग में डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ करते हैं अब कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल है फोर ग्राउंडिंग की फॉर एग्जाम्पल रेपूटेशन रेपिटेशन क्या होता है इसमें वर्ड्स और फ्रेज़ जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट होते हैं एम्फोसाइज क्रिएट करने के लिए जैसे कि आई टोल्ड यू नोट टू गो आई टोल्ड यू नोट टू गो अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है इसके अंदर सेंटेंस अच्छा फिर है कंट्रास्ट इसमें क्या होता है हम लोग कंट्रास्टिंग लैंग्वेज एलिमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हो गए डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो गए डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस हो गए ठीक है इनको यूज़ करके हम लोग जो एलिमेंट्स है टेक्स्ट के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं फॉर एग्जाम्पल द बिग हाउस टूड एमटी एंड सैलेंट वायल द स्मॉल कॉटेज वॉज बसलिंग एंड एक्टिवली एक्टिविटी ठीक है अब यहाँ पे बिग हाउस स्मॉल कॉटेज एमटी साइलेंट बसलिंग एंड एक्टिविटी यहाँ पे क्या विद एक्टिविटी सॉरी तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग वर्ड यूज़ किए गए हैं जहाँ से हाईलाइट किया जा रहा है इम्पोर्टेंस को वर्ड्स की फिर है एम्फोसाइज की टेक्निक इसमें क्या होता है इसमें अटैलिक्स बोर्डिंग कैपिटलाइजेशन जैसे कि आप देखें मैंने ही यहाँ पर इसको रेड किया हुआ है ठीक है तो इस तरह की सर्टन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ठीक है वर्ड uh, में एम्फसाइज क्रिएट करने के लिए फ्रेज में एम्फोसाइज करने के लिए तो एम्फोसाइज यूजिंग डिवाइस सच एज़ इटालिक्स बोल्डिंग एंड कैपिटलाइजेशन टू ड्रॉ अटेंशन टू अ सर्टन वर्ड्स और फ्रेजेस अब मैं यहाँ पे इटैलिक फॉर्मेट यूज़ करना भूल गई हूँ आप टू बी हैप्पी को इटैलिक में लिख दें કે મતલબ ટેડા કરકે તો ધ મોસ્ટ ઈમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ટુ બી હેપી તો યહાં પે ટુ બી હેપી જો હે હેપી કો મેં ઇટાલિક મે લખ દુંગી મીન્સ મેં اسકો એમફસાઇઝ કર રહી હી ઠીક હે તો યે જો એમફસાઇઝ કી ટેકનિક ભી હો ગઈ ઇસકે ઇલાવા કુછ રિટોરિકલ ડિવાઇસિસ સન્સ કે મેટર ફર્ સિમિલિપર સોનિફિકેશન હાયપરબલી એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઠીક હે ફિગર ઓફ સ્પીચ હે ઇનકો ભી યુઝ કરતે હમ લોગ ફોર ગ્રાઉન્ડિંગ કી ફોર ગ્રાઉન્ડિંગ કી ટેકનિક જો હે ઉસકો યુઝ કર સકતે હે ઠીક હે તો મેજર ટાઇપ્સ મે હમારી થી દો હી पैरलिज्म और डेविएशन जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं पैरलिज्म के पैरल लेके चलना डेविएशन से हट जाना तो इन अर्टल वी कैन कंक्लूड दैट ठीक है मतलब या बोलो नटशल या कंक्लूडर दोनों में से जो हम, जो सा मर्जी वर्ड आप अपने राइटिंग में लिख लें फॉर ग्राउंडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड नॉन्स लिटरेरी डिवाइस इट कैन बी यूज इन वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट डिफरेंट इफेक्ट इन टेक्सट राइटर्स ऑफन यूज फॉर ग्राउंडिंग

मूड या एटमोस्फेयर है उसको हाईलाइट कर सकते हैं ठीक है मतलब ओवरऑल अपने टेक्स के अंदर आप अच्छा एम्फेसाइज ले कर आ सकते हैं अच्छा इफेक्ट लेके आ सकते हैं बाई यूजिंग द टेक्निक ऑफ फोर ग्राउंडिंग सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर लेक्चर कम्प्लीट हुआ हमारा यहाँ पे और साथ ही हमारा फोर ग्राउंडिंग का जो टॉपिक है वो भी कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दुआ में खास याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टे ट्यून्ड विद अस टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो